औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दूसरा दिन है साईं अमरदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स को। कल जैसे खत्मात का दौर चला, तकरीरों का दौर चला, और आज जो है झंडा चढ़ाया गया, चादर चढ़ाई गई, हज़ारों की तादाद में लोगों ने आकर दुआएं मांगी और हज़ारों के हिसाब से लोगों ने यहाँ लंगर खाया। आज ये बॉर्डर एरिया जो छजला की धरती है, हमेशा ही सूफियों ने, संतों ने और वली अल्लाह ने हमेशा मुल्क को जोड़ने का जो है पैगाम दिया है, मुल्क को मजबूत करने का पैगाम दिया है, और इस ज़ियारत ने इस बॉर्डर एरिया के ऊपर में एक अहम रोल अदा किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां की कमेटी को, मुबारकबाद देता हूं ख़ासकर सूफ़ी शबीर साहब को और इनकी पूरी टीम को कि लोगों ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने मिलकर जो है लोगों की खिदमत की, और वली का जो पैगाम है हमारे मुल्क के लिए, हमारी इस यूटी के लिए और ख़ासकर इस पूरे खित्ता पीर पंजाल के लिए कि हर जगह से मानने वाले वलियों के दरबार पर हाज़िरी देते हैं, और वलियों ने हमेशा हमें एक तालीमात दी है जिससे हम अपने मुल्क को, अपने एरिए को, अपनी यूटी को और अपने इस खित्ता पीर पंजाल को मजबूत बना सकें। और ख़ासकर वलियों के दरबार से जो मैसेज इस बार उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने दिया, वो ये दिया कि जो ड्रग्स आज इस, यह नशा जो है इस नौजवान पीढ़ी में, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पीढ़ी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ़ एक मुहिम यहाँ से शुरू हुई, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमेशा नौजवानों को जो तरबियत है वो वलियों के दर से मिली कि आप हमेशा ड्रग्स से दूर रहें, मुल्क के वफादार रहें। और यह बॉर्डर एरिया होने की वजह से इस ज़ियारत ने और ज़ियारत की कमेटी ने और नौजवान साथियों ने हमेशा मुल्क के लिए और इस खित्ता के लिए एक अहम रोल अदा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत बाबा साईं अमरदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का 25वां सालाना उर्स पाक बड़ी ही शान शौकत के साथ मनाया गया। यहाँ पर हर मजहब व मिल्लत के लोग तशरीफ़ लाए और बिलखसूस छजला के लोगों ने आने वाले सारे मेहमानों की बड़ी बढ़ चढ़ कर जो है खिदमत की, और हज़रत बाबा साईं अमरदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी में भी और उसके बाद भी यहाँ से प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम हो रहा है, और बिलखसूस इस उर्स पाक में मुल्क हिंदुस्तान में भाईचारगी और अमन और जो है प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम हुआ, उसके लिए दुआएं की गई, और बिलखसूस यहां से ये पैगाम नशर किया गया कि जितने भी हमारे नौजवान लोग हैं वो जो है अच्छाइयों की तरफ आएँ, बुराइयों से, मनशियात से और नशे अवर चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें, और जो है अच्छे कामों की तरफ आएँ, अच्छे काम करें और अपना जो है मुस्तकबिल संवारें। और यही आम हम पैगाम सबको देते हैं कि औलिया अल्लाह से वाबस्ता हो जाएँ, अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर करें।